अंदर एंटर होते ही वाओ ब्यूटीफुल। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल हाउस बिफोर दोस्तों आज का दिन बहुत ही ख़ास है इसको आप बेंगलो भी बोल लो इसको आप रॉयल हाउस भी बोल लो कैसल बोल लो या पैलेस बोल लो इसमें कोई शक नहीं घर वाकई माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है आज का दिन चार किनाल के सुपर लग्जोरियस विक्टोरियन पैटर्न के बेज कलर के घर के नाम एरिया दोस्तों इसका चार किनाल है दो किनाल पे टोटल ये घर की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और दो किनाल का लॉन है इसमें घर दोस्तों अगर पाकिस्तान में कुछ घरों की बात की जाए कि जिसके हर इंच पे काम किया जाए तो उसमें से एक ये घर भी आता है घर बहुत ही ख़ास है वीडियो को एंड तक देखना वीडियो को मिस ना करना वीडियो को लाइक करना ना भूलना कमेंट लाजमी कर देना इन हम आपके लिए पाकिस्तान के और भी कई ऐसे घर लाएंगे जो आपने सुने होंगे या देखे भी नहीं होंगे तो इसलिए बने रहिएगा दोस्तों बहुत सी चीज़ें अभी इन शाला उन पर भी वीडियो जल्द बनाएंगे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ बिल्डिंग्स और भी काफ़ी कुछ है और भी बहुत खूबसूरत घर हैं जो आपने नहीं देखे होंगे और जो के पाकिस्तान में बनने लग गए हैं दोस्तों ये है चार किनार का सुपर लग्जोरियस विक्टोरियन पैटर्न का बेज कलर का ये घर है ठीक है लोकेशन इसकी डी एच ए लाहौर फेज़ वन में है ठीक है ये घर और ये इस टाइम रेडली अवेलेबल फॉर सेल है ये इसका लॉन है ये घर जिसे कहते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टाइम इसको लगा है बनाते हुए हर इंच पे काम हुआ है और जिसे कहते हैं ना आपको वीडियो बनाते हुए भी मज़ा आए वो चंद घर ही होते हैं और उनमें उन से एक ये घर है इसको आप जिस एंगल से भी देखो आपको इसका डिज़ाइन बुरा नहीं लगता यहाँ से देखो आपको लगता है ये फ्रंट है फ्रंट से देखो तो वो ये पौधा देख रहे हो हर चीज़ की इन्होंने सेटिंग बहुत ही जिसे कहते हैं कैलकुलेट करके की है और इसको डिज़ाइनर ने डिज़ाइन की है और डी एच एल हॉर फेज़ वन के बारे में बता दूँ यहाँ घर आपको प्लॉट बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं होती क्योंकि यहाँ सारे के सारे फिल हो गए हैं और यहाँ ये कि लोकेशन भी इसकी काफ़ी प्राइम है ठीक है इधर से भी देखो अगर आप आपको लगता है ये फ्रंट है हालांकि ये फ्रंट नहीं है ये इसकी साइड है दो किनार लॉन है इसमें ये कि आप जॉगिंग ट्रैक भी है बारबेक्यू भी कर सकते हो शाम को चाय भी पी सकते हो फैमिली के साथ इंजॉय भी कर सकते हो और दोस्तों मैंने बहुत से घर देखे हैं वाकई ये घर एक जन्नत है एक पैलेस है और हर बंदा कहता है कि उसकी लाइफ में अगर वो हार्ड अन बनी या उसके पास पैसा हो तो वो चाहे वो यही घर ले या ड्रीम हाउस जो उसका है वो यही है यकीन मानो माशाल्लाह बहुत ही ख़ूबसूरत घर है और वीडियो बनाते हुए भी मुझे मज़ा आ रहा है वीडियो बनाते हुए भी मुझे मज़ा आ रहा है चलते हैं दिखाते हैं आपको और घर भी घर वाकई बहुत ही ख़ूबसूरत है टोटल इसके ऊपर चार बेडरूम है नीचे दो हैं टोटल छः बेडरूम है इसमें आपका ऑफिस भी है लॉबी भी है स्टडी रूम भी है डाइनिंग भी है ड्राइंग भी है पोर्च भी है यहाँ आप इजीली चार गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो साइड पे भी खड़ी कर सकते हो भाई आपका घर ही पूरा लोहन में भी खड़ी कर सकते हो जिधर मर्जी खड़ी करो चीज़ें इन्होंने सारी इंपोर्टेड यूज़ की हैं लोकल बहुत कम से कम इवन ईंटें भी इन्होंने जो अच्छी की की है अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हैं इधर आप ये कि ये आर्टिफिशियल थोड़ी सी ग्रास लगाई इधर आप बारबिक्यूँ कर सकते हो गेस्ट को बुला सकते हो इसमें घर में फुल टाइम हर जगह कैमरे लगे हुए हैं ठीक है सिक्योरिटी सिस्टम है बाकी बिजली गैस हर कुछ है ये सवाल अक्सर लोग पूछेंगे ठीक है और ये है कि ये डी एच ए फेज़ वन दोस्तों ये है कि लाहौर के सबसे पहले और पुराने फेजेस में है ठीक है फ्रंट का एलिवेशन माशाल्लाह घर का बहुत ही ख़ूबसूरत है घर में एक से एक अलग से अलग चीज़ है हर चीज़ दूसरे से डिफरेंट है और ये हम एंटर होने जा रहे हैं इस घर का जो अगर आप कहो थीम है वो इन्होंने ब्राउन लाइट ब्राउन कलर जिसको हम बेज भी बोलते हैं उसमें रखा है अंदर से भी बाहर से भी लाइट ब्राउन कलर का काफ़ी यूज़ है ये देख लो पिलर ये मतलब बाहर के मुल्कों में जिस तरह चलते हैं इधर भी अब वही चीज़ें सेम आ रही हैं काफ़ी लोग बाहर से तो चीज़ें यही कॉपी कर लेते हैं मगर अंदर से वही बात है पैसे बचाने के लिए क्योंकि ये पैसे बहुत आपको पता लगते हैं अच्छा बड़ा घर बनाने के लिए हर चीज़ इन्होंने गोल्ड लीफिंग ये शैंडेयर ये सारे कोई फ्रेंच है कोई इटालियन है कुछ स्विट्ज़रलैंड से मंगवाया है इस तरह करके डिफरेंट कंट्री से माशाल्लाह अंदर घुसते ही एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है हेल्दी फीलिंग आती है घर का डोम और डोम से ये जो नीचे बैक है सबसे पहले दोस्तों ये आपको दिखा देते हैं ये है जी हमारा गेस्ट के लिए ठीक है इसीलिए आप यहाँ पे गेस्ट अपने डाइनिंग नहीं है ये ठीक है ड्राइंग रूम है आप यहाँ इज़ीली गेस्ट को एंटरटेन कर सकते हो पंद्रह से बीस गेस्ट आपके इजीली यहाँ एंटरटेन हो सकते हैं और आप उनको टाइम दे सकते हो और ये बहुत ही ख़ास है घर में बता दूँ इसके हर इंच पे काम हुआ है थोड़ा सा लाइट फ्लिकरिंग का दोस्तों प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत माजरत पता नहीं क्या जब भी कोई अच्छा घर दिखाते हैं कैमरा ही ना जवाब दे जाता है तो ये है कि इंशाल्लाह बाकी वीडियो एंड तक देखना वीडियो को लाइक करना ना भूलना कमेंट भी कर देना ये इन्होंने रग्स भी काफ़ी अच्छे यूज़ किए हैं ये फर्नीचर भी सारा विंग चेयर का है विंग चेयर एक ब्रांड है इम्पोर्टेड ब्रांड है काफ़ी टॉप पे है तो ये है कि ये शैंडलीयर भी ये फ्रेंच शैंडलीयर है हर चीज़ मैं बता रहा हूँ इन्होंने चाइनीज़ नहीं यूज़ की इम्पोर्टेड है और अच्छी क्वालिटी की यूज़ की ये विंग चेयर की चेयर है और ये आपको पता है लाखों रुपए का सिर्फ फ़र्नीचर ही है इस घर में तो माशाल्लाह करोड़ों रुपए का फर्नीचर है वैसे बता रहा विंग चेयर जो ब्रांड है ये इंटरनेशनल ब्रांड है और ये काफ़ी महंगा है लकड़ी भी इम्पोर्टेड यूज़ की है ये हम पाउडर रूम भी दिखा देते हैं कि अगर आपके गेस्ट जाना चाहें तो उनको भी आप इसमें भी चैंडे लेर इम्पोर्टेड है ये अटैलियन चैंडे लेयर है इसमें भी अच्छा एक जिसे कहते हैं काफ़ी अच्छी आपको ठंडक ठंडक सी लगती है इसमें और इस घर को भी इन्होंने ये है कि लाइट का इसमें ख़ास ख्याल रखा है ठीक है ये देख रहे हो हैंडल ये भी इटालियन हैंडल है दरवाज़ों के आप ये अंदाज़ा लगा लो लकड़ी भी इम्पोर्टेड है ये इसको दीमक नहीं लगती ठीक है ये अच्छी वाली लकड़ी है जो कि सालों साल सौ सौ साल चलती है आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा पुराने कैसल्स जो होते हैं उनमें इस तरह की लकड़ी यूज़ होती है और ये देख रहे हो काफ़ी अच्छा डोम का पूरा ये घर का इधर से व्यू बल्कि जो है ना बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे हम किसी कैसल में हैं तो यहाँ से जी चलते हैं ये आपका आ गया डाइनिंग एरिया इसमें भी आप देखो सीलिंग का ही फ़र्क है अब जो जाहिर बात है बाहर से कॉपी कर लेगा वो ये चीज़ें नहीं कॉपी कर सकता ठीक है ये अंदर हर हर इंच पे काम है ये देख रहे हो डेकोरेशन लकड़ी उसकी शाइन ये सारा विंग चेयर का फर्नीचर है और कुछ एक दो दूसरे ब्रांड्स हैं बाहर से इम्पोर्ट किया गया है ये टेबल ये टाइल ये सारे इम्पोर्टेड हैं घर की सेटिंग माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और इधर भी आपके बारह बंदे इज़ीली एंटरटेन हो सकते हैं ठीक है ये के बारह बंदे बैठ के ईज़ीली आपके साथ खाना इंजॉय कर सकते हैं वॉलपेपर जो है अमेरिकन वॉलपेपर भी हैं स्वीडिश भी हैं छत देख रहे हो ये वुडन से आपको टच दिया गया इसमें टेबल की शाइन इसकी ख़ूबसूरती बारह बंदे इज़ीली आपके बैठ सकते हैं ये बहुत अच्छी सी कैंडल्स हैं ये आपने देखा फ़िल्मों में भी इस तरह ही होता है हैं ये बिल्कुल फ़िल्मों की तरह ही है समझ लो ये फ़िल्मी घर ही है भाई ये फ़िल्मी घर है और बहुत ही ख़ूबसूरत है तरह आपका दिल करे बैठ जाओ लेने के बाद हैं मैं लेने के बाद की बात कर रहा हूँ हैं और ये दोस्तों फेमस आर्किटेक्ट हैं उन्होंने डिज़ाइन किया है हर इंच पे इसके काम किया है इसकी जो लेबर है वो भी आम लेबर नहीं है ठेकेदार समझ लो आप आम नहीं है इसके ना लेबर ना ठेकेदार हर इंच पे उन्होंने काम किया है उसको बाद में काउंटर चेक किया है ये किचन भी सारा इम्पोर्टेड है और किचन की भी ये है कि ये देख रहे हो इलेक्ट्रिक चूल्हे लगे हैं सारा कुछ है इसमें भी ओवन भी फ्रिज भी ये भी सारा इटैलियन है इटैलियन वर्ड है और ये सारा इटली से इम्पोर्ट किए हैं ये ओवन चोवन भी वहीं किए हैं स्टोव ओवन ये जो भी है तो ये मैं बता रहा हूँ ना घर पे इन्होंने ये लाइफ टाइम चलने वाला जो है ना हिसाब किताब रखा है कि चीज़ें पायदार रहें ख़राब ना हो फिर आपको पता चार कनाल के घर में अब ये किचन ज़्यादातर आता है फ़ैशनी किचन ठीक है एक डर्टी किचन हर कोई रखता है वो भी है इस घर में छोटा सा उसमें होता है छोटा मोटा यार वो क्योंकि गन चंद मचता रहता है ये ज़रा होता दिखाने के लिए ज़रा आपको पता फैशन के लिए हमारे इधर ज़रा थोड़ा सा आपको पता पब्लिक ज़रा खुला ऐसे यूज़ करती है तो फिर ये आ जाता है डर्टी किचन इसमें अब आप देख रहे हो ये ज़्यादातर यूज़ होता है वो जरा दिखाने के लिए होता है ज़रा हर एक को जैसे कहते हैं ना हर बंदा इंप्रेस हो जाता है समझा करो कह नहीं तो उधर टोर भी बन जाता आपकी भी वैल्यू बन जाती कि यार बड़ा ये तो साफ़ किचन है हालाँकि असल सीन इधर हो रहा होता सारा सी पता जब आप पकाओगे हीट ये वो सारा तो वो आपकी छत भी ख़राब होगी और भी काफ़ी कुछ होता है तो ये इस तरह ही ज़्यादातर लोग ये घरों में ना ये वाला किचन यूज़ नहीं करते वो नेक्स्ट वाला ही करते हैं ठीक है जी यहाँ से माशा ये बहुत ही ख़ूबसूरत ये डेकोरेशन पीस है ये भी ये स्वीडन से लाए हैं और ये बहुत ही ख़ूबसूरत ये कैंडल्स हैं इसकी इसमें नीचे दो बेडरूम है ठीक है ये भी चेयर बहुत ही ख़ूबसूरत ये एक डेकोरेशन गोल्डन सा जैसे लगता है सोने का मगर है नहीं ये माशाल्लाह बहुत ही ख़ूबसूरत है टाइल्स भी यार ये ब्राउन कलर के मुझे बहुत पसंद है ये हर एक को मेरा ख़्याल है जितने भी अच्छे घर हैं इनमें यही लगे हैं माशाल्लाह बहुत ही ख़ूबसूरत ये मास्टर बेडरूम नहीं है ये एक सपोर्टिव साथ जो दूसरा बेडरूम है ये वो है शेंडी इसका भी है कि ये फ्रेंच शैंडी है सीलिंग्स अमेरिकन वॉलपेपर और एक दो जगह इन्होंने ऑस्ट्रेलियन वॉलपेपर भी यूज़ किया है मैं बता रहा हूँ ना ये दुनिया भर से इन्होंने इसकी चीज़ें जमा की किएँ ये घर ऐसे नहीं बना तो ये चक्कर है ये देखो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये पायदार चीज़ें देख रहे हो इसके आप लॉक देखो हैंडल देखो ज़ाहिर सी बात है ये और चीज़ है जो आप वैसे देखते हो वो हो रहा है ये देख रहे हो टाइल की ग्लॉस फिनिशिंग उसकी सेटिंग जो है तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत मैटर करती हैं लोग ज़्यादातर तो आपको पता काफ़ी बिल्डर जो हैं लोकल ठेकेदारों से बनवाते हैं तो उनमें ये चीज़ें मेंटेन नहीं हो सकती चीज़ें क्या होता है आठ दस साल बाद ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं ये सदा बाहर चलने वाली चीज़ें हैं जो इस घर में लगी हुई हैं काफ़ी हद तक मैं हर चीज़ की नहीं कह रहा काफ़ी हद तक चीज़ें अगर आप अच्छा मैंटेन करके चलाओ ने तो ये सारा विंग चेयर का फर्नीचर है माशाल्लाह बहुत ही ख़ूबसूरत ये आपका सपोर्टिव बेडरूम इसको कह सकते हो सेकंड बेडरूम भी कह सकते हो गेस्ट एज अ आप भी यहाँ जिसे कहते हैं उनको भी ये दे सकते हो इसमें भी एक जिसे कहते हैं एलसीडी इन्होंने सिक्सटी फाइव इंच है मेरा ख़्याल है ये लगाया हुआ है और साथ में ये इसका वॉशरूम है इधर भी काफ़ी बड़ी बड़ी वाड और ब्राउन विद वाइट का टच दिया है डार्क ब्राउन विद वाइट और इसकी भी सेटिंग जो है बहुत ही जैसे कहते हैं सोच समझ के और इसमें यहाँ गोल्डन का भी टच दिया है। जो कि अच्छी बात है कि मेरा ख़्याल है माशाल्लाह घर बहुत ही मेहनत से और बहुत ही टाइम लगता है ऐसा घर आपको पता है इस तरह का जो घर है वो बनते बनते आपको दो ढाई तीन साल आराम से लग जाते हैं क्योंकि उसके हर इंच पे काम होना होता है वो चीज़ें उस लेवल की बनानी होती हैं कि कल को लामा ना आए या जो क्लाइंट ले और ये होता है फिर आपको पता है ये हाई जेंट्री के क्लाइंट्स के लिए घर होते हैं तो ये हर आम बंदे के लिए नहीं होते एग्जैक्टिव क्लास के लिए होते हैं तो ये हिसाब किताब है इसलिए कई लोग मुझसे नंबर का कहेंगे नंबर इनका कोई नहीं है ठीक है नंबर इनका कोई नहीं है अगर आपने ये इस, मतलब लेना हो गोल्डन का बहुत अच्छा टच है अगर आप इसको मतलब वही बात है ना मैं अब किस किस को वही अब बताऊँ इसका क्योंकि यार अगर तो कोई मुझे सीरियस लगा आप मुझे कमेंट में रबता कर लो ठीक है नहीं तो इसकी ए, एक है, एक आधी हैं एक आधी इसकी वीडियो है यूट्यूब पे ना एक बंदे ने भी लगाई हुई है तब उसने थर्टी टू करोड़ बताया तब इसकी थर्टी टू करोड़ थी मगर अब इसकी थर्टी सिक्स करोड़ है क्योंकि इंक्रीज प्राइस इंक्रीज़ हो गई है उसने साल पहले वीडियो बनाई थी इसकी तो वो ये सीन है सारा ठीक है तो ये हिसाब किताब है जी आपने देख ही लिया घर वाकई मतारो ना कुछ घर फिल्म करने का ही मज़ा आता है हर घर नहीं और ये उन घरों में से एक है एक मुझे वो रॉयल विक वक्टोरियन पाँच मरले का नहीं भूलता एक मुझे वो पाँच मरले का इटालियन मैंने किया था वो भी यही मतलब कैनेडियन स्पेनिश सॉरी वो मुझे नहीं भूलता अच्छा इसके वार्ड्रोप के अंदर भी ये देख रहे हो आप लाइटें हैं मज़े की बात देख रहे हो आप इसकी सेटिंग देख रहे हो आप किस तरह की है उन्होंने और ये सारा और ये महंगा काम है टाइल की भी सेटिंग जो भी हिसाब किताब सारा कुछ इन्होंने जो लगाया है हैंडल भी ये देख रहे हो इसका कलर शलर नहीं उतरेगा भाई ये चाइना वाले नहीं हैं ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे ये काफ़ी लोग समझ रहे होंगे ये है वो है और आपको पता लोकल तो ही ऐसी चीज़ें नहीं बनती उनकी तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है इसलिए अच्छे घरों में कोई भी बंदा लोकल नहीं एसेसरीज लगवाता जितना हार्डवेयर है और जो है इवन सॉफ्टवेयर भी कॉल कह दो उसके जो नक्शे वक्शे होते हैं वो भी सारी एले इधर तो नहीं आपको पता होती वो भी सारी बाहर से ही लोग लाते हैं ठीक है बाकी ये देख लो ये इसका ये है कि मास्टर बेडरूम के साथ इसको ये मास्टर बेडरूम नहीं है ठीक है इसको आप सेकेंड बेडरूम बोल सकते हो इसमें भी इन्होंने एक वुड का टच आपको लगता है सी ये लकड़ी है मगर ये लकड़ी नहीं है वॉल लगे हुए हैं कुछ जगह इन्होंने लकड़ी भी यूज़ की है इसमें ये सेवन इंच का सैमसंग का एल भी लगाया हुआ है ये जी इन्होंने टेबल को भी और यकीन मानो यार ये होटलों में ना फाइव स्टार थ्री स्टार फाइव स्टार और ये जो अच्छे और होटल होते हैं उनमें ये इवन प्रेसिडेंशियल सूट्स जो होते हैं सबसे महंगे जो कमरे होते हैं होटल के ये उससे भी अच्छा घर है इवन मैंने कमरे देखे मैं बता रहा हूँ उनमें ये चीज़ें नहीं होती जो इस घर में हैं इस घर में है या इसके कमरों में है तो ये है कि ये प्रेजिडेंशल सूट से भी ऊपर की चीज़ है और ये इन्होंने फॉर सेल सेल के लिए ही बनाया है ठीक है इस पर काफ़ी टाइम लगा है और इसमें कई लोग ये पूछेंगे अब बेसमेंट का बेसमेंट इसमें दोस्तों नहीं है ठीक है सबसे पहले ये दिखा देते हैं ये आ गया जी हमारा मास्टर बेडरूम आ गया इधर से ही आपको बाहर का काफ़ी अच्छा मतलब लॉन का पूरा व्यू मिलता है इसका बेड ये भी सारा विंग चेयर का मैं बता रहा हूँ ना इस घर का इस खाली फर्नीचर ही तीन चार करोड़ रुपये का है ये लैंडी ये शैंडिलयर जो है ये अटैलियन चैंडिलयर था फिर ये भी इसमें भी इसमें भी आपका वो लाइट विद डार्क का एक इन्होंने थीम काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है ये देख रहे हो इसकी चौगाठे ये जो दरवाज़े की ये सारी चीज़ें भाई ये वो इधर नहीं बनती ये सारा आपको बाहर से ये बहुत अच्छा है कि आपको फिल्मों में इस तरह के नज़र आते होंगे बाथरूम्स जहाँ ये घरों में इस तरह होता है वाइट कलर के होते हैं और ये फ़िल्म ही है ये सारा फिल्मी सीन है यह आपको रियल लाइफ में इस तरह के घर बहुत ही रेयर मिलता है जिसमें से एक घर ये है देख रहे हो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है वाइट विद गोल्ड का और ये बीच में पिलर ये ही प्योर विक्टोरियन घर की निशानी होती है दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही ख़ूबसूरत है ये बाथरूम नहीं है तो जिस तरह लग रहा है कोई कमरा वैसे बनाया हुआ है फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मगर ये बाथरूम है जिसमें एसी भी है मतलब इसमें इनमें सेंट्रल आपको पता है हीटिंग भी होती है कूलिंग भी है और अब मैंने एक दो घरों में ये जकूजी इसमें एलसीडी भी होते हैं यानी आप टीवी भी देखो हैं नहाते हुए टीवी देखो या और जैसे कहते हैं ना हिसाब किताब सीन करते हुए तो अब ये चीज़ें दोस्तों आ गई हैं ठीक है ये जकूजी है इसमें आप नहाओ इंजॉय करो ये कि अब सीन बदल गए हैं ट्रेंड बदल गए हैं ये देख रहे हो ये बाहर के मुल्कों में ऐसे ही होते हैं भाई आप जितने भी लग्जोरियस होटल देख लो उनके भी इवन वॉशरूम्स ऐसे नहीं होंगे रॉयल सूट्स देख लो लग्जरी सूट्स देख लो प्रेसिडेंशियल सूट देख लो उनमें ये नहीं होगा ये मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत ही कम लोग क्योंकि खर्चा बहुत हो जाता है ये भी गोल्डन अंदर टाइल इतने खूबसूरत हैं जैसे लगता है सोने के पीस छोटे छोटे लगाए हुए हैं इस पर जब चमक पड़ती है ना बाकी ये है कि दोस्तों वाकई ये घर जो देख रहा है उस टाइम लाइव उसको मैं वही कह दूँ कि बहुत ही ख़ूबसूरत है वो ये उसको ही पता चल रहा है कि ये घर की क्या बर्थ है क्या वीडियो में शायद मैं आपको वो चीज़ें ना स्मेल ना करा सकूँ फ़ील ना करा सकूँ जो मैं इस टाइम कर रहा हूँ और ये घर की लोकेशन भी दोबारा बता देता हूँ ये देख रहे हो गोल्ड का कितना अच्छा टच है ये सारा कुछ दोस्तों बाहर से इम्पोर्ट करके लाए हैं ठीक है बाकी इसमें सर्वेंट्स के भी लेदर रूम में साइड पे वो भी इन्होंने बनाए हैं बेसमेंट तो मेरा ख़्याल है नहीं है इसमें जहाँ तक मुझे पता चला है ये भी देख रहे हो कितना अच्छा इन्होंने गोल्डन पाकिस्तान में दोस्तों ये इस्लामाबाद में भी इस तरह के घर मैंने नहीं देखे ये देख रहे हो माशा बहुत ही ख़ूबसूरत ये शीशा भी इसका इवन इम्पोर्टेड है इसमें जो नट बोल्ट हैं वो भी इम्पोटेड हैं मतलब लोकल कुछ भी नहीं है आप कह लो हिसाब किताब लगा लो यानी इन्ना वैर के भाई लोकल अगले ने चीज़ें यूज़ नहीं की क्योंकि तो वो पता है यार लोकल की फिर आपको पता है क्वालिटी या लोकल में भी आप कह लो इधर जो चाइना वाले भी मिलती हैं उसकी भी फिर आपको पता है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है लीस क्वालिटी की चीज़ें होती हैं ख़राब हो जाती हैं फिर कल का आपको पता है ये चीज़ें लेनी होती है बड़े क्लाइंट्स ने जिनके यही है कि जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी मांगते हैं ये घर दोस्तों हर बंदे के लिए नहीं होता इसलिए काफ़ी लोग इसको देखना चाहेंगे तो अब वो इसके लिए मैं यही बताता हूँ माजरत ही है इसके लिए जो लेना चाहता है यार वही कर सकता है उसको मैं बता देता हूँ उसकी सारी लोकेशन समझा देता हूँ नंबर शंबर कोई नहीं है ठीक है आप देख लेना चले आना क्योंकि अगर आप चले भी जाओगे लोकेशन पे वो आपको वहाँ जो गार्ड्स होंगे वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे अंदर आना उसके लिए आपको रेफ़रेंस चाहिए आप कौन हो क्या हो किस जगह पे हो आपके बैंक में कितना कैश है आप किस गाड़ी में आए हो जाहिर सी पता है चीज़ें मैटर करते हैं अब आप वही बात है कोई लोकल छोटी मोटी गाड़ी पे चले जाओगे तो फिर तो आपको कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा वो भी ये समझेंगे चस्का पार्टी ऐसी चस्का लेने आया है तो वो आपको नहीं ये देखने देंगे तो यही है भाई ये घर अगर वही बात है आपने लेना है आप लैंड क्रूजर पर जाओ हैं या एस क्लास पर जाओ या रेंज रोवर पर जाओ तो फिर ही आपको इंटरटेन करेंगे ये देख रहे हो मास्टर बेडरूम ये थोड़ी सी ऑफ द ट्रैक दोस्तों बातें हो जाती हैं ये भी थोड़ा सा ये कि शुगर मेला भी ये है कि चलता रहे साथ साथ एंटरटेनिंग ये विंग चेयर का बेड है ठीक है ये भी सुना है मेरे ख़्याल है दस के बारह लाख रुपए का ये सिर्फ बेड ही है और ये पायदार है लकड़ी इसकी भी सीलिंग सारी वॉल अमेरिकन वुड का टच और एल इसमें छोटा इन्होंने रखा है क्योंकि तो ये दोस्तों हिसाब किताब हैं ये सीन है घर के वाकई ठीक है अब ये भी ये आ गया जी आपका इसको आप ऑफिस भी बोल सकते हो इसमें भी देख रहे हो सेटिंग माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ये आपका एक प्राइवेट ऑफिस है जहां आप अपनी ये कि बुक्स भी रख सकते हो अपना लैपटॉप इसको आप एज़ अ स्टडी रूम भी यूज़ कर सकते हो इसको ये कि अगर ये कि कोई किसी है कि बच्चे के कोई टीचर आ गए आप उनको भी इधर वो बच इधर पढ़ा सकते हैं एज आप ऑफिस भी यूज़ कर सकते हो एज आप इसको मीटिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हो छोटा मोटा एक कहते हैं किसी बंद गेस्ट से बात करनी हो तो इसको आप मल्टीपर्पस यूज़ कर सकते हो ठीक है तो ऑफ़िस के लिए जहर सी बात अगर कर यूज़ करोगे तो फिर आप मिलियंस ऑफ डॉलर की डील इधर ही करोगे ये बाहर से आया मैं बता दूँ ये मैंने बहुत से ये घरों में देखा है जो बड़े बड़े अमीरों के बाहर घर होते हैं उनमें ये घोड़े वाला स्टैचू पड़ा होता है तो दोस्तों ये हिसाब किताब है सीन में बता रहा हूँ बहुत ही हैवी है बहुत ही हैवी है ये इधर आके पता चल रहा है कि वाकई घर जो है ना हर कमरा दूसरे कमरे से डिफरेंट है हर इंच पे काम हुआ है देख रहे हो टाइल की सेटिंग हर चीज़ पे इन्होंने ख़ास ख़्याल रखा है वाह जी वाह माशाल्लाह ये टीवी वी लॉन्च है और इजीली आप ये के ईजी माहौल में ये देख रहे हो हैंडल चैंडल ये सारे बाहर से इम्पोर्ट किए हैं ये देख रहे हो आप इसकी क्वालिटी तो ये वो चीज़ें जो लामा नहीं देंगी क्वालिटी इसकी बहुत टॉप की है मतलब ये जाहिर सी बात है इम्पोटेड है फिर हज़ारों डॉलर की चीज़ें आई हैं लाखों डॉलर की चीज़ें आई हैं तो फिर ये कोई ऐसे तो नहीं होंगी लकड़ी देख रहे हो आप पता चल रहा है तो दोस्तों ये कोई ऐसे वैसी चीज़ नहीं है मैं बता दूँ ये वाकई कोई बात है इसमें तो अगले पागल थोड़ी हैं जो इतने पैसे मांग रहे हैं घर के उनको क्या मुसीबत पड़ी है इतने मांगने की उनको ये नहीं कि वो जल्दी बेच के फारे को अगला बनाए नहीं भाई उनको पता है इस घर में भाई दो तीन साल लग जाते हैं बनते बनते इसकी चीज़ें अब तो वैसे ही इम्पोर्ट इतनी इन्होंने महंगी कर दी है इतनी ड्यूटीज़ टैक्सेस डॉलर की वजह से बढ़ा टैक्सेस ड्यूटीज़ भी बढ़ा दी हैं डॉलर भी बढ़ गया है हालाँकि चीज़ें ड्यूटीज़ ये चीज़ें कम करनी चाहिए ताकि ये वर्साचे स्टाइल को देखा सारा कुछ तो ये है कि ये चीज़ें ड्यूटीज़ कम करनी चाहिए ताकि इम्पोर्ट सस्ती हो दोस्तों यहाँ से भी आपको बाहर का व्यू आता है लॉन का, का। काफ़ी लोग ये कहते होंगे यार मैं इसमें ऑफ द ट्रैक बात करता हूँ जो कि चैनल का भी दोस्तों हमारा है, ए डिफरेंट रिव्यू उसमें यही है कि हम थो, थोड़ा डिफरेंट बात करते हैं ठीक है और इसमें यही है कि यार ज़रसि पता है हम तो चाहते हैं सस्ती चीज़ें हो यार हमारे मुल्क में भी ये चीज़ें सस्ती मिलें ताकि इसको मैक्सिमम लोग अब हर बंदा तो मैं नहीं कहता मैक्सिमम लोग इसको अपने घरों में इन चीज़ों को ले सकें इंपोर्ट करके इंस्टॉल करवा सकें ये अब आप आ गए वापस देख रहे हो माशाल्लाह टाइल और इसका जो टोर है ये घर में अब हम यहाँ से शेंडी लेयर का ये डोम भी देखा जाए अभी भी काफ़ी खूबसूरत है और ये शेंडी भी खाली ये शेंडी लेयर भी बीस से पच्चीस लाख रुपये का शेंडी लेयर है इधर से जो घर का व्यू मिलता है और ख़ास तौर पे ये जो पीस क्रिस्टल पीस है ये जो ये स्टैचू से ये जो बनाया हुआ है डेकोरेशन पीस बहुत ही खूबसूरत है शकिन मानो इस मतलब ये घर देख के ना हर इंच पे काम ये इसके नीचे वाली टेबल भी ये सॉलिड है सॉलिड ये काफ़ी भारी है ये मैंने पकड़ा है ना काफ़ी भारी है ये वो टूटने वाली चीज़ें नहीं है भाई ये देख रहे हो ये हिलता नहीं है ऐसे ये काफ़ी भारी है भाई ये ऐसे आपको पता है ऐसी हल्की चीज़ें नहीं हैं अगला कोई वो पागल थोड़ी इतने पैसे मांग रहा है भाई बात है घर में कोई जान है चीज़ें हैं हर चीज़ एक जिसे कहते हैं अलग है और घर में हर चीज़ ने जान डाली हुई है ये देख रहे हो एरी भी इन्होंने रखा हुआ है इसको रोशनी भी आती रहे यहाँ से जी अब ऊपर जाते हैं ये भी काफ़ी अच्छे बेज कलर के इन्होंने टाइल्स हैं और हमारे चैनल का ज़रा यार ज़रा डिफ़रेंट है थोड़ा हम डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं इस तरह आम आपको पता है ये जो वीडियो वाले लोग होते हैं या हम उस तरह चीज़ नहीं दिखाते माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गोल्ड का ये बहुत ही ख़ूबसूरत में बता तो रहा हूँ गोल्ड की मैचिंग है ये जो डेकोरेशन पीस बड़े बड़े रखे हुए हैं ये आ गया जी हमारा मूवी थिएटर रूम सिनेमा जिसको हम बोल सकते हैं वाह इसमें भी घुसते ही एक जो है ना मैं कहता हूँ वाकई एक ख़ुशी का एहसास और यहाँ आप अपनी प्राइवेटली मूवीज़ एंजॉय कर सकते हो अपनी फ़ैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों ये आपका एक प्राइवेट मूवी थिएटर है प्राइवेट सिनेमा है आपका जो देखना आप यहाँ उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो और ये सीट्स भी दोस्तों ऐसे नहीं मैं बता दूँ सीट्स भी ये इम्पोर्टेड हैं और ये बहुत महंगी वाली हैं इसका भी आपको फंक्शन भी दिखाते हैं इधर ये कि ये मेरा ख़्याल है कितनी ये कोई सौ इंच की शायद होगी या शायद बहुत ही रिलैक्सिंग है इसमें बैठ के पता चलता है सीट्स में बहुत ही रिलैक्सिंग ये हैं इसका मटेरियल इसका लेदर वाओ मतलब तो मज़ा आ गया यकीन मानो अब यहाँ बैठ के बंदा फ़िल्म देखे तो मज़ा ही हो रहा है देख रहे हो रिलैक्स करें इजी इसका लेदर और मटेरियल जो है वाकई और नीचे से भी इसमें वो पैरों वाला भी निकलता है भाई क्या आप इजीली इजी हो के आप बैठ जाओ ये देख रहे हो ये दोस्तों मज़े हैं फिर चश्के तो हैं आपको पता इतने पैसे ख़र्चने फिर इम्पोर्टेड अच्छी चीज़ का ये तो होता है ना ये बेनिफिट तो होता है तो वाह मज़ा आ गया यकीन मानो मज़ा आ गया मैं ऐसी आज तक नहीं देखी चलते हैं दोस्तों और भी यकीन मानो अगर मैं बैठा रहेगा तो फिर बैठा ही रह जाऊँगा और भी आपको दिखाते हैं वाकई ये कि फ़ोन कॉल भी आ गई बीच में ही खैर ये जी एक वॉशरूम भी आ गया अब ना घर में वाकई कोई बात है तो अगले भी कोई इतने पैसे ऐसे थोड़ी मांग रहे हैं भी गोल्डन का बहुत अच्छा टच है हर वॉशरूम दूसरे वॉशरूम से डिफरेंट है इसके आप देख रहे हो पिलर्स और इसके जो माशाला बहुत ही खूबसूरत दोस्तों कमेंट ज़रूर कर दिया करो कि वीडियो कैसी लगी ये भी काफ़ी अच्छा ब्लैक और ये जो इन्होंने बेसन भी इसका अच्छा है ये भी इंपोर्टेड है लोकल नहीं है ये इसकी वार्ड्रोब्स हैं ये भी अंदर लाइटें शाइटें के अंदर लगी हुई हैं यह ऑटोमेटिक है कि आप खोलोगे लाइटें जल जाएंगी ठीक है और कमेंट कर दिया करो मैं हर कमेंट का जवाब दूँगा और ये चक्कर है ये सीन है और ये दोस्तों इसकी लोकेशन एक बार ये आपको दिखा दूँ बहुत ही ख़ास चीज़ है ये यकीन मानो बहुत ही ख़ास चीज़ है ये इसके सारे बटनज़ हैं ये देख रहे हो आप ये थिएटर के सारे बटन का कंट्रोल है ये रिमोट है ये देखो लाइटें बंद हो गई वो भाई फुल टाइम मूवी सीन फुल टाइम हैवी सीन है ये मूवी का आप मूवी इंजॉय करो यहाँ से ये देखो सही रात हो गई इसमें पूरी सैनमा डिस्को लाइट ये वो मतलब फुल इफ़ेक्ट्स आते हैं ये देख रहे हो आप जल पड़ी लाइटें अब तारो ये आपको इस तरह लगेगा कि आप जैसे कोई सैनमा में बैठे हो और वही माहौल आएगा आपको और फिर आपकी चेयर भी रिलैक्सिंग है मूवी चेयर है मसाजर है उनमें सारा कुछ है आप वो मसाज लेते लेते ही देख रहे हो लाइटें किस तरह हल्की हल्की होके बंद हो रही हैं ये सारी लाइटें भी इंपॉर्टेंट हैं भाई ये लोकल नहीं है और ये ये बिल्कुल जैसे आप लगता है आप किसी अच्छे होटल में फेरे हो फाइव स्टार होटल में ना ये किसी कैसल में फेरे हो फ्रेंच या इटालियन कैसल में हालांकि ये घर है और वो भी पाकिस्तान में देख लो तो आप लोग कहते हो पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं होती कहीं लोग कहीं भाई वो कहते हैं दुबई यू यू से तो ये देख लो प्यारे दोस्तों ये पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें बनने लग गई हैं और हम लोग भी जैसे कहते हैं ना जहालत से बहुत जल्द आज़ादी हमें मिलती जा रही है इनशाला ये है कि हमारी तो यही कोशिश है यार इन चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि पाकिस्तान भी जो है जहात के अंधेरों से बाहर आए और यहाँ भी इम्पोटेड चीज़ें हों सस्ती हों हर बंदा ले अच्छी चीज़ें हों अच्छे डिज़ाइन हो नई टेक्नोलॉजी हो लेटेस्ट फीचर लेटेस्ट गैजेट्स हों सस्ते हों ये ना कि वो इतने महंगे हों सस्ते अफोर्डेबल हो, हों तो यही है तरक्की दोस्तों और इंफ्रास्ट्रक्चर ही तरक्की है यही चीज़ें हैं आपको पता है देख रहे हो ये भी कितना खूबसूरत गोल्ड का काफ़ी अच्छा टच है ये एक ऊपर ना इन्होंने एज आ गेस्ट किचन आप बोल लो या वैसे ये कि है कि दोस्त वोस्त आ जाए को चाय शाये हल्का फुल्का इधर ये भी बाहर से है भाई ये देख लो इसका बेसन ये ये भी सारी लकड़ी छकड़ी ये बाहर से वारोब्स हैं ये दोस्त आ जाए आप छोटा मोटा कोई खाना बनाना है तो वो ये है कि इधर आप उनके लिए मेहनत मजदूरी कर सकते हो इधर को चाय बनानी है कोई कॉफ़ी बनानी है तो वो फिर आपको या आपका कोई अगर को बंदा रखा है तो फिर आप उसको कहोगे ज़ाहिर सी बात है इन घरों में तो ख़ुद तो नहीं कोई भी करता है इन घरों में तो आपको पता है मुलाजमी नहीं काफ़ी होते हैं भी माशाल्लाह एक आ, आप कह लो ऊपर के पोर्शन का टीवी लॉन्च है ठीक है इसको टीवी लॉन्च भी बोल सकते हो आप एजा इसको एक सेपरेट रूम भी बोल सकते हो आप ठीक है इसमें यह है कि ये है। आप दोस्तों को यहाँ ठहरा सकते हो इंटरटेन कर सकते हो और इसका भी लाइट थीम मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ये भी जिसे कहते हैं बिल्कुल ये शीशा ही देखो आप माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका भी ये जो कंट्रास्ट है और आप देखो गोरा क्या सोच के चीज़ें बनाता है कि वाकई हम लोग भी हैरान रह जाते हैं यार अब ये देखो ना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और क्वांटिटी और क्वालिटी इनकी देखो ये नहीं कि क्वांटिटी भी अच्छी क्वालिटी भी इनकी अच्छी है रहा तारों ने इम्पोर्टेड चीज़ें अच्छी होती हैं क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी होती है दुनिया भर दुनिया लेती है यार तो ये है कि गोरे से दुनिया चीज़ें लेती है तो वही बात है कि ये पर्दे जो हैं ये रग्स हैं ये भी इम्पोर्टेड हैं भाई ये पर्दे भी इधर के नहीं हैं ये शीशा विशेष सारे बाहर से आए हैं क्योंकि रहा तारों ना जिन्होंने ये घर बनाया है उन्होंने सारी चीज़ें पोर्ट की हैं लोकल चोकल इसमें कुछ भी नहीं है सवाई ईंटें मट्टी बजरी यही चीज़ें हैं आप समझ लो बस इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है यहाँ लोग ही हैं जिन्होंने इधर लोकल ये बनाया है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इधर से भी इस घर का व्यू चेयर्स विंग चेयर्स की रखी हुई हैं ये ऐसा आप गेस्ट रूम भी कह सकते हो यहाँ से डोम की काफ़ी अच्छी इसको भी लाल और ये गोल्डन सा कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये बिल्कुल लग रहा है मैं किसी फ़ाइव स्टार होटल में खड़ा हुआ हूँ और वाकई यहाँ तस्वीर खिंचवाने का भी मज़ा है आप यकीन मानो किसी को आप तस्वीर यहाँ खड़े होकर भेजो हर कोई आपको कहेगा भाई किस होटल में हो आप हर बंदा आपसे पूछेगा यार किस आप मॉल में के दबई में फेरे हो आप किधर फेरे हो कोई फ़्रांस में फेरे हो इटली में फेरे हो स्वीडन गए हो किधर गए हो आप कहोगे भैया ये मेरा घर है हैं तो वो बंदा वाकई हैरान हो जाएगा फिर तो आपको समझो ये एक और बेडरूम आ गया फिर तो समझो आपको फुल हैवी सीन ये भी मेरा ख़्याल है ये फ्रेंच है हाँ ये चैंडली फ्रांस से इम्पोर्ट हुआ है फिर तो आपको ज़ाहिर सी बात है फुल हैवी सीन फुल प्रोटोकॉल मिलेगा ये एक बेडरूम आ गया जी ये दूसरा बेडरूम कह लो इसको इधर से भी ऊपर जो है लॉन का व्यू आप एंजॉय कर सकते हो साइड का इनके ये कि नेबर भी दूर हैं यहाँ से नेबर भी अच्छे होते हैं मगर ये कि ज़्यादातर जो बड़े घर हैं आपको पता है मेल मिलाप वहाँ कम ही होता है अमीर लोग कम ही ज़रा आपको पता मिलते हैं आपस में वो क्योंकि आपको उनके घरों से गाड़ियाँ निकलती और आती जाती नज़र आएंगी लोग कम ही नज़र आते हैं तो ये भी माशाल्लाह बहुत ही ख़ूबसूरत है ग्लॉसी सा इसकी भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी की गई है इसमें मैं बता रहा हूँ इस चैंडिलयर की ड्रॉप बहुत अच्छा लग रहा है बेड पे और काफ़ी लोग कहते हैं ये पूछते हैं यार प्रैक्टिकलिटी है इनको हर रोज़ चलाना यार ये अब आप आपकी मर्ज़ी है कि आप चला सकते हो या नहीं कुछ लोग लोकेशन के लिए पूछते हैं लोकेशन मैंने इसकी बता दी डी एच एल हॉर फेज़ वन में है ठीक है पाकिस्तान में और किसी और मुल्क में नहीं है कुछ लोग इसकी एलिवेशन पूछते हैं यार मुझे नहीं पता मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ या मैं घर नहीं बनाता कुछ इसका मैप मांगते हैं वो यार कौन देता है आप मुझे बताओ कुछ लोग फिर इसका पूछते हैं डायमेंशन्स क्या है भाई मुझे नहीं पता ठीक है ये आप देख लो क्योंकि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ ये भी फिल्मी घर है फिल्मी बाथरूम है बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है आपने देखा है जैसे फिल्मों में होता है या बड़े बड़े खूबसूरत दुनिया के जो मॉल्स हैं उनके भी मेरा ख़्याल है वॉशरूम्स ऐसे नहीं हैं वाह जो इसकी सेटिंग है जो इसका यकीन मानो टोर है मज़ा आ गया मैं बता रहा हूँ ना बहुत ही कम घर होते हैं जिसको मज़ा आपको विज़िट करते हुए मज़ा आता है ये एक टाइलो मोजैक से इन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया है ये छोटे पीस होते हैं टाइल के ना ये वॉल पेपर नहीं है भाई तो ये सीन दोस्तों बहुत ही हैवी है मैं बता रहा हूँ सीन वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह हर मेरी जैसे कहते हैं ना स्टेज पे निकला है क्योंकि घर वाकई बहुत ही ख़ूबसूरत है बहुत ही चाह से दिल से इन्होंने बनाया और पता चलता है कि हुनर पता चलता है इनका कि टैलेंट हुनर ये देख लो पाकिस्तान में भाई ये चीज़ें हो सकती हैं अब कई लोग कहते हैं यार हमारा पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हो सकती तो देख लो भाई राइजिंग पाकिस्तान माशाल्लाह और इन ये कि हम बहुत जल्द तरक्की भी करेंगे देखना सही आप सबकी दुआओं से और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार बहुत मुश्किल से बनती हैं ऐसी वीडियोस ऐसी लोकेशंस हर बंदा नहीं जा सकता और ये आपको पता ख़ास लिंक्स और रेफरेंस से ही आप जा सकते हो हर आम बंदा नहीं जा सकता क्योंकि अलाउ नहीं होता आपको पता ये कोई चीज़ें कोई अंडर को रोटी नहीं है या कोई रोटी नहीं है क्योंकि हर बंदा या कोई फल नहीं है सब्ज़ी नहीं है कि जो हर बंदे को वो इंटरटेन करें हर बंदे को वहाँ घुसने की भी इजाज़त नहीं होती तो ये सीन है दोस्तों ये कुछ रियलिटीज़ है मैं बता रहा हूँ इसलिए वही बात है कि आप जिसने वही बात है आप लेना है और इसमें नेगोशिएबल भी ये तो नहीं ना होगा कि आप अगर वो अगला छत्तीस मांग रहे तो आप उसको कोई पंद्रह की ऑफ़र लगा दो या दस की लगा दो ऐसे नहीं है दोस्तों ये घर वाकई इसकी वर्थ है तो छत्तीस का कह रहे हैं अगर वो तो आप ज़्यादा सी पता है थर्टी थर्टी फाइव मतलब थर्टी फाइव की आप लगा दो ऑफर थर्टी फाइव फिफ्टी की लगा दो थर्टी फोर सेवेंटी की लगा दो तो फिर कहीं बात वाली बात है बन सकती है मगर मेरा नहीं ख्याल अगर आप इस तरह कहो कि जी अगला छत्तीस में आ गए और आप यहाँ बारह लगा दो पंद्रह लगा दो मैं सीरियस हूँ तो ऐसे नहीं है मेरे भाई फिर कई लोग अक्सर ये भी कमेंट में कहते हैं यार मैं फला हूँ मैं एम एन ए हूँ मैं ऐसे हूँ तो मेरे भाई अग, अगले ने देखो अगले ने तो किसी को भी दे देना जो उनको पैसे देगा जो उनको अच्छी ऑफ़र पूरे पैसे देगा अगले ने उनको दे देना अगले को तो इससे कोई नहीं है आप चाहे वज़र अजम हो सदर हो एम एन ए हो एम पी हो बिज़नेस मैन हो ये तो देखो आप जो ऑफर उनको तो पैसे ऐसे घर से कि जो अच्छी ऑफर दे दे रहे उन्होंने आपको अच्छा क्लाइंट बनाना है एक तो ये सूरत हाल है दोस्तों ये सारा कुछ है। मैंने वीडियो में पूरी कोशिश की आपको चीज़ें वो बताई कि जो सच हैं और हक हैं और इसमें जैसी बात है गलती की छोटी मोटी गुंजाइश ज़रूर हो सकती है ठीक है घर बहुत ही स्पेशल है यकीन मानो ये फिल्मों में ऐसे होता है ख़्वाबों वाला घर है ख़्वाबों वाला ये घर आपको मेहनत लोग सारी ज़िंदगी भी कर लेते हैं तब भी नहीं बना सकते मर मिट जाते हैं फिर भी ये घर जिसे कहते हैं ख्वाबों में भी उनके नहीं आते जनरेशंस बेचारों की लग जाती हैं जो बाहर के मुल्कों में भी आपको पता पैसा जोड़ते हैं बना भी लेते हैं ऐसी बात नहीं है मगर कई ज़्यादातर लोग ये बाहर के मुल्कों में जैसे कि वहाँ भी ये इस तरह की सीन नहीं होते ये सारा दबई शबई वाले हैवी सीन है वो आपको पता है अरबी इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं उधर इतना गोल्डन लेविशनेस ये यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं पसंद की जाती तो ये मैं बता रहा हूँ ना ये पाकिस्तान में मिल गया बड़ी बात है आपको इस तरह घर और अभी भी एक दो लोग और इससे भी महंगे महंगे बना रहे हैं मगर ये कि ये घर आराम से बिकते हैं इतनी जल्दी नहीं बिकते क्योंकि अमाउंट काफ़ी बड़ी है हर कोई नहीं लेता जैसे इस्लामाबाद में घर बहुत महंगे हैं ठीक है दोस्तों बहुत ही मुश्किल से लिंक्स और रेफ़रेंस हम यहाँ आ रहे हैं ठीक है वीडियो बनाई आपको मेरा ख्याल है जितनी डिटेल में मैंने बताया इतनी डिटेल में किसने नहीं बताया होगा ऑफ़ द ट्रैक भी हमने बताया है आपको बातें शाहें भी की हैं तो दोस्तों ये सूरत हाल है सारे घर की ठीक है माशाल्लाह ये भी देख लो आप ये भी एक टोटल डिफरेंट इसका थीम है कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छे डेकोरेशन पीसीज है ये गोल्डन से बड़े बड़े ये पिलर टाइप और ये देख रहे हो वॉल पेपर यार मज़ा यकीन मानो मज़ा आ गया ये वार ड्रोब्स हैं भाई ये दीवार नहीं है ये पूरी ये देख रहे हो वाइट विद गोल्डन कितना अच्छा इसका इन्होंने कलर कम्बिनेशन और थीम कि मतलब माशाल्लाह निकलता है ये छत देख रहे हो आप ये जो काम हुआ हुआ है ऊपर ये हर बंदा नहीं करा सकता भाई ये हर ठेकेदार नहीं करा सकता ये जो चीज़ें हैं ये हर बंदे के बस की बात नहीं है भैया ये वाकई जो काम है ये जान निकाल देता है बंदे की तो इसमें यह कि आपको इनके देख रहे हो ये भी शेयर है कि फेपड़े फूल जाते हैं बोल बोल के इनके पीछे जब आपने काम कराना हो और इसमें हर इंच पे आपको देखना पड़ता है काउंटर एक दफ़ा नहीं काउंटर चेक बार बार करना पड़ता है फिर जाके ये क्वालिटी ये क्वांटिटी ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं तो बाकी है कि ये डीएचए में घर है ठीक है कोई बात है अगर दस लाख भी लोग देखेंगे तो उसमें से मेरा ख़्याल है शायद कोई एक आधा बंदा सीरियस हो बाकी तो आपको पता हर बंदा चस्के लेता है तो दोस्तों वही बात है उनके लिए फिर माजरत ही है जहर सी बात है अगले ने भी वही बात है जिनका घर है वो नहीं अलाउ करते और फिर ज़हर सी बात है ये चीज़ें मैंने डिटेल में आपको दिखा दी हैं ये भी देख लो घर वाकई ख़ास है स्पेशल है इसमें कोई शक नहीं है हर इंच पर काम हुआ है मेहनत हुई है ठीक है और ये है कि ये चार किनार का घर है ट्रांसफ़र फ़ीस जो मेरा ख़्याल है ये काम करते हैं प्रॉपर्टी डीलर का वो बता सकते हैं इसकी फ़ाइलर की कितनी है नॉन फाइलर की कितनी है मगर मेरा ख़्याल है इसकी कोई होगी चालीस पैंतालीस लाख रुपया तो होगी इसकी फ़ाइलर की भी कोई पच्चीस तीस बल्कि तीस पैंतीस लाख रुपया तो होनी है इसकी फ़ाइलर की ट्रांसफ़र फीस और शायद नॉन फाइलर की पचास साठ लाख हो ये अब आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि इसकी क्या फ़ीस है ठीक है ट्रांसफ़र करवाने की बाकी घर मैंने आपको हर इंच इसका दिखा दिया वही वाला साहब हो गया सर्वेंट के भी दो रूम हैं पर बताए हैं उन्होंने किधर है मुझे नहीं पता चला मैंने तो इधर नहीं देखे कहीं भी तो ये है दोस्तों सारी सूरत हाल ये छतें देख रहे हो आप माशाल्लाह ये जो काम हुआ है ये वाकई महीनों ले जाता है ये डोम का भी जो काम हुआ है ये महीनों ले जाता है डोम का काम देख रहे हो आप ये जल्दी नहीं होता दोस्तों ये बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों पे देख रहे हो जिस एंगल से देखो घर को वाकई मज़ा आता है और मैं तो वही कहूँ मेरा भी माशाल्लाह यही ड्रीम हाउस है अल्लाह हमें भी दे और हमारी है और आप सबको भी दे बाकी ये दोस्तों मैंने आपको यही है कि सारा कुछ इस घर के बारे में बता दिया दिखा दिया डिटेल में आगे यही है कि आप देख लो हिसाब किताब वही बात है इसका तो कोई भी नहीं मेरा ख्याल लगा सकता है इतनी हैवी अमाउंट तो कोई भी बंदा नहीं रख सकता मेरा काम था दिखाना आपको इनकी क्वालिटी इनके स्टैंडर्ड्स इनका ये चेक कराना और ये भी जाते आते दिखा दें ये भी लॉबी से हम गुजर रहे हैं ये भी हर कमरा एक दूसरे कमरे से डिफरेंट हर चीज़ ये छतें देख रहे हो आप छतें वाकई ये काम आप ये चीज़ें नहीं कर सकते ठीक है ये चीज़ें आप जैसे कहते हैं बाहर से तो लोग कॉपी कर लेते हैं मगर वही बात है कि ये चीज़ें आप नहीं बना सकते कॉपी करने के बावजूद भी क्योंकि वो अंदर से भी आप करोगे तो वो आपको पता है लेबर वो का उस लेवल का काम नहीं करती तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत ही शुक्रिया वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा आपकी नज़र में भी कोई इस तरह का स्पेशल आस पास कोई घर हो आप कोई प्रॉपर्टी हो या और कोई आपके पास कोई ऐसी वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर कांटेक्ट करें और काफ़ी लोग मेरे नंबर के लिए पूछते हैं और मेरा नंबर अगर आप आ, ये कि उससे कोई बात करनी है तो आप कमेंट में लिख दिया करो मैं उसका जवाब दे दूँगा अगर कोई बहुत खास बात है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें फिर मैं आपको नंबर भी अपना दे दूँगा इन मुलाकात होती दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट घर में नेक्स्ट किसी प्रॉपर्टी में आपको दिखाते रहेंगे स्टेट्यून वीडियो को दोस्तों देखने का बहुत शुक्रिया मैंने कोशिश यही की कि आपको वीडियो पसंद आए और इसकी हर डिटेल बता दूँ दो में रखी गई बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी काफ़ी को लाते रहेंगे अल्लाह हाफिज़